हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तन्वी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो होने वाली है एटीट्यूड हाउस सोल जंग टेन फ्री मॉइस्ट इमल्शन पर। आई गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ द साइट्स दैट इज बेस्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉल्ड ब्यूटी बार्न, एज आई वॉज नॉट एबल टू गेट इट फ्रॉम द पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। सो आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So before getting into the video, I would like to request you again for liking and sharing my videos, and those who have come for the first time on my channel, they can go and watch my previous videos, and if you like them then please like and share them and also subscribe to my channel. It would be a really really great thing for me. And now let's talk about the product. So today I'm going to talk about a Korean skincare line product that is from Etude House Son Jung 10 Free Moist Emulsion. And it's a basically a moisturizer that moisturizes your skin but without making it feeling greasy, and it has also many soothing and calming ingredients that you know doesn't irritate your skin. So I was searching for such a product for my skin, as my skin is problematic just as I am. सो मैं अपनी प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट ढूंढ रही थी जो वाटर बेस्ड हो, जिसमें ज़्यादा ऑयल्स ना हो, बिकॉज आई हैव मेड माई प्रीवियस वीडियोज ऑन एवेन एंड बायोडर्मा दैट यू हैव ऑलरेडी सीन, और वो थोड़े थिक क्रीम्स हैं और उसमें ऑयल्स और बाकी सारी भी जो चीज़ें होती है, जैसे एमोलियंस हो गया या फैटी एसिड्स हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैं ऐसा कोई मॉइस्चराइजर चाह रही थी जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए एंड कोई ग्रीजी फीलिंग ना दे। यू शुड नॉट फील दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन योर स्किन। सो आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो है 93% नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट से बना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सारे मतलब आपकी स्किन को हेल्प करते हैं टू यू नो गेट इट हील्ड। और अगर आपका स्किन केयर स्किन बैरियर डैमेज है, या फिर आपकी स्किन में डलनेस है, ड्राइनेस है, या फिर कोई भी इरिटेशन है, आपकी स्किन पे बम्स आ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो इस प्रोडक्ट के साथ आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस नहीं होएंगी। सो हु ऑल कैन यूज दिस प्रोडक्ट? दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर इवन द मोस्ट सेंसिटिव स्किन, एज इट हैज ऑल दी सूदिंग एंड कार्मिंग इन्ग्रीडियंट्स। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है इवन, तो उनको भी ये प्रोडक्ट जो है किसी टाइप की कोई एलर्जी कॉज नहीं करता। तो नॉर्मल हो, ड्राई हो, एक्ने प्रॉन हो और सेंसिटिव हो, कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। एंड एक्ने प्रॉन पीपल स्पेशली, जिनको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो एक्ने प्रॉन लाइक एक्ने ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक ये मॉइस्चराइजर उनके लिए आइडियल होगा टू कीप देयर स्किन नरिश्ड एंड मॉइस्चराइज थ्रू आउट द डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। This product comes in this kind of a bottle. It's a quite sturdy plastic bottle, बहुत ही thick plastic है, and it gives a look of the glass, but it's actually plastic bottle. और इससे आप बाहर जो है product देख भी सकते हो, ये transparent bottle है। Like मैंने अभी इतना ये product ख़त्म कर लिया है, तो you can see from outside. Then it has a white cap over it, जिसको खोलते ही आपको एक pump दिखेगा, और पंप की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको जितना प्रोडक्ट लेना होता है वन टाइम में, आप उतना ही लोगे, कोई प्रोडक्ट वेस्टेज नहीं होगा। दूसरा, कॉन्टैक्टलेस आप निकाल सकते हो, आपको उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, या प्रोडक्ट कभी कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ये सारे इश्यूज इसमें नहीं है। तो मैं आपको लेके दिखाती हूँ वन पम्प। सी, बिल्कुल पी साइज अमाउंट निकला है, तो जो एक्ने प्रोन स्किन वाले हैं नॉर्मल, जिनको बहुत कम ज़रूरत है, तो वो इसको वन टाइम या टू टाइम्स ले सकते हैं। अदरवाइज ड्राई स्किन पीपल कैन टेक इट 3-4 times। सो द पैकेजिंग इज क्वाइट अट्रैक्टिव एंड दिस ट्रांसपेरेंट फीचर आई लाइक इट द मोस्ट। सो दिस प्रोडक्ट इज रिटेल्ड एट 1250 एंड यू गेट 120 ml ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस प्राइस। आई नो प्राइस ज़्यादा है, बट दिस इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड और बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च प्रोडक्ट है। देन इट गेट्स इम्पोर्टेड टू इंडिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी प्राइसिंग वैल्यू बढ़ाती है। लेकिन अगर आप अपने स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, तो अपने स्किन केयर में ज़रूर इन्वेस्ट करिए, रेदर देन बाइंग सो मैनी प्रोडक्ट्स, बाय वन प्रोडक्ट एंड दैट शुड बी गुड फॉर योर स्किन। एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, रेस्ट इज़ योर विश।
तो जब मैंने भी इसको लिया था आई वॉज ऑल्सो लाइक स्केप्टिकल कि मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन इतने सारे रिव्यूज़ पढ़ने के बाद फाइनली आई गॉट दिस प्रोडक्ट. सो नाउ आई विल शो यू द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो प्रोडक्ट है ये इमल्शन है, इसका नाम ही इमल्शन है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे एंड वाटर बेस्ड है. इसमें यू नो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को टारगेट करते हैं आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज को. तो इसका जो कलर है वो मिल्की वाइट कलर है बिल्कुल, एंड इट्स नॉट एन ऑइंटमेंट, इट्स नॉट अ लोशन, इट्स नॉट अ क्रीम, ये सबका एक कुछ मिक्सचर है और ट्रांसपेरेंट लुक देता है. मतलब बहुत ही लिक्विड कंसिस्टेंसी का है और लगाते ही आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द क्लेम्स दैट दिस प्रोडक्ट मेक्स. दिस प्रोडक्ट सेज दैट इट हैज पेंथन सोसाइड, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेदाका सोसाइड एंड पेंथेनॉल, एंड बोथ ऑफ देम आर सूदिंग एंड नॉन इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स एंड आर रियली रियली गुड फॉर योर स्किन, दैट सूद आउट योर स्किन एंड मेक्स योर स्किन स्मूथ. देन ये आपकी स्ट्रेच स्किन को भी हेल्प करता है, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर से या ड्यू टू ड्राइनेस जो स्किन खराब हो जाती है ये उसको भी हेल्प करता है विदाउट गिविंग यू एनी इरिटेशन. देन इट इज वीकली एसिडिक एंड इट इज लो इरिटेंट, दैट इज आपकी जो पीएच वैल्यू होती है स्किन की, इसकी पीएच वैल्यू और हमारी स्किन की पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो ये प्रोडक्ट आइडल है आपकी स्किन पे यूज करने के लिए. एंड देन टॉकिंग अबाउट दी हार्मफुल केमिकल्स, इस प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इट्स नॉन कॉम्बिजेनिक, इसमें कोई सिलिकॉन्स नहीं है, कोई पैराबेंस नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में देखते हैं और ये सब कुछ इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये वेल रिसर्च प्रोडक्ट है, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है. बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में. इंग्रेडिएंट लिस्ट इज क्वाइट इम्प्रेसिव क्योंकि ये नो नॉनसेंस प्रोडक्ट है. इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर वेरी फ्यू बट दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर स्किन, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर ग्लिसरीन एंड इट हैज प्रोपेनेडियोल, देन वन इंग्रेडिएंट इज देयर दैट आई कैन नॉट स्पेल बट इट इज अ काइंड ऑफ एन एमोलियंट, और जो प्रोपेनेडियोल होता है वो भी आपकी स्किन के मॉइस्चराइजेशन लेवल को बढ़ाता है, उसको रिटेन करता है मॉइस्चर को. देन इट हैज क्वालिन दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनिंग इलास्टिसिटी. Then it has panthenol again that also known as vitamin B5 and it gives moisturization to your skin and it's non-irritating and it repairs your skin barrier. Then it has medaka society that is an extract of centella asiatica plant जो कोरियन प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो भी बहुत ज़्यादा सूदिंग इंग्रेडिएंट होता है और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये इंग्रेडिएंट आजकल जो है यूज हो रहा है. तो सारे इसमें सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, 93% नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स से ये बना हुआ है और इसका जो बेस है वो वाटर है, इट्स नॉट एन ऑयल, जो सबसे अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी लोग जो है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करना पसंद करते हैं. एंड देन इट हैज ग्लिसरीन जो है कि एक ह्यूमेक्टेंट है और आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल को अगेन मेंटेन करता है. देन इट हैज फैटी एसिड्स ऑल्सो जो आपके स्किन बैरियर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो सारे आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो दे ऑल आर वेरी यूजफुल, दे हैव नो हार्मफुल केमिकल्स, येस दे हैव फ्यू प्रिजर्वेटिव्स बट विदाउट प्रिजर्वेटिव्स नो प्रोडक्ट कुड बी मेड एंड यू कैन नॉट लाइक कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम. तो प्रिजर्वेटिव्स भी जो है आई चेक इट आउट, बहुत ज़्यादा माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स हैं और बिल्कुल भी स्किन को इरिटेशन कॉज नहीं करते हैं. तो दैट वॉज अबाउट द इंग्रीडियंट. नाउ टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस विद दिस इमल्शन. आई ऑर्डर दिस इमल्शन जस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि मैंने ये लास्ट ईयर लिया था और मैं अब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसमें शेयर करना चाहूँगी कि ये जो इमल्शन है ये मुझे इसने इरिटेट तो नहीं किया मेरी स्किन को, लेकिन मेरी स्किन जो ड्राई है कोर्स है तो मुझे ऐसा लगा कि इतना मॉइस्चराइजिंग नहीं है. एंड काफ़ी लोगों ने ये मेंशन ज़रूर किया था कि फॉर वेरी ड्राई स्किन पीपल दिस वॉन्ट बी एन आइडल मॉइस्चराइजर स्पेशली फॉर द विंटर मंथ्स, और मैंने इसको विंटर मंथ्स में ही ऑर्डर किया था और मुझे ऐसा लगा कि इसको 2-3 बार आपको इसका मतलब इसकी लेयर लगानी पड़ेगी और कभी कभार इसके ऊपर आपको
कोई और हैवी मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ेगा. तो विंटर्स में इतना हेल्प नहीं किया इसने मुझे. एंड समर्स में आई एम यूजिंग इट लाइक ऑन एंड ऑफ विद माई अदर मॉइस्चराइजर्स. सो येस, इट फील्स वेरी लाइट ऑन योर स्किन. इट डजेंट कॉज एनी ब्रेकआउट. इट डजेंट इरिटेट योर स्किन. और सूदिंग फीलिंग, एक काइंड ऑफ सूदिंग फीलिंग भी देता है. So if you are expecting more than moisturization thing, I don't think so that it helps with that. तो मैं ये जरूर कह सकती हूँ ये एक अच्छा मॉइस्चराइजर है, क्योंकि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ऐसा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक ना करे, उस पर ग्रीजी फीलिंग ना दे, एंड यू कैन यूज इट विदाउट गिविंग अ थॉट कि ये मेरी स्किन पे कोई इरिटेशन तो नहीं करेगा. तो ये जो है सारी पॉइंट्स जो है आपको इसके साथ फेस नहीं होंगे. रेस्ट इज अपॉन द स्किन टाइप ऑल्सो, एंड ऑल्सो कि आपको किसी इंग्रीडियंट से कोई एलर्जी तो नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है. डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट वेदर यू हैव यूज दिस प्रोडक्ट और नॉट, एंड वेदर यू लाइक माई वीडियो और नॉट. एंड आई विल बी मीटिंग यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो. प्लीज टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.